सभी साथी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आज के अगले इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो आम की फसल होती है इसमें अधिक फल लेने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कब करना चाहिए, कब इसमें पानी लगाना चाहिए। इन सभी प्रकार की जानकारियों को हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे आखिरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए देखिए। तो सबसे पहले बात आती है कि हम सिंचाई कब करें। तो किसान भाई, सिंचाई हम कब करें? जब भी हम सिंचाई करेंगे तो उसका एक समय निश्चित होता है। सिंचाई कभी भी जो है फल लगने के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको शुरू से इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जब हमारे नए पौधे में नए किल्ले निकलने लगते हैं तो उसको जो है किसी एक दवाई से, जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, किसी एक दवाई से, जैसे कि अगर इंसेक्टीसाइड ले लीजिए तो इमिडाक्लोरोपीड 17.8 SL जो 3 ml में, डाइमिथियोन 30% EC में आता है 10 ml में, ऑक्सीडिटरमाइटन मेथाइल 25% जो EC में आता है 10 ml में, मैलाथियन 50% जो EC में आता है 15 ml में। ये तो सारे इंसेक्टीसाइड हो गए। अब एक फंजीसाइड आप ले लीजिए जो वाटर लेबल सल्फर होता है, ये 30 ग्राम होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में आता है, ये 10 ग्राम ले लीजिए। इसमें से किसी एक इंसेक्टीसाइड को और किसी एक फंजीसाइड को लेकर के 10 लीटर पानी में घोल करके, हिसाब इन दोनों को साथ में भी जो है घोल करके स्प्रे किया जा सकता है। इसको स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान भाई, स्प्रे इसको इतनी अच्छी तरीके से करना चाहिए कि सारे जो किल्ले हैं वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएं, गीले हो जाएं और इनकी जो छाल होती है पौध की, तो इसमें भी जो है वो पानी अच्छे से पहुँच जाए। कभी कभी प्रायः जो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्टली कीड़ा लगता है, जिसको मैंगो मिली बग के नाम से जानते हैं, तो वो जो इसकी छाल होती है वो छालों में बैठा होता है कीड़ा। तो ये जब अच्छे से स्प्रे करेंगे, जब पूरी आपकी छाल इसकी जो है अच्छे से धुली होती है, तो वो कीड़ा वहीं पर जो ख़त्म हो जाएगा। ये तो होगा आपका पहला स्प्रे। अब दूसरा स्प्रे कब करेंगे? जो दूसरा स्प्रे है किसान भाइयों, उसका करने का जो सही समय होता है, जब हमारा जो मंजरी होती है उसमें जब फल लगने लगता है, जो फल का प्रकार होता है वो सरसों के दाने के आकार का हो जाता है, तब दूसरा स्प्रे किया जाता है। ऊपर बताए में से किसी भी एक जो है किसी एक इंसेक्टीसाइड का और किसी एक फंजीसाइड को लेकर के उसमें जो है आप स्प्रे कर दिए। इससे होगा क्या, बहुत सारे कीट मरेंगे, ठीक है, और आपके जो पाउल्डी मिल्ड्यू है, एंथ्रेग्नोज है, इन सभी समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी इसका हम दूसरा स्प्रे करेंगे तो NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो कि 4 ml 4.5 ml का आता है, 4 ml लेकर के 10 लीटर पानी में घोल करके इसके साथ में जरूर डालना चाहिए। इससे होगा ये जो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड है ये फलों को गिरने से बचाता है। अब बात करते हैं हम, आपने जब स्प्रे कर दिया, दूसरा स्प्रे कर दिया है, तो अब नंबर आता है सिंचाई का। इसके बाद में स्प्रे करने के बाद पौधों में सिंचाई जरूर करनी चाहिए। अब सिंचाई कैसे करेंगे? इसका जो एक अब जो भी फल है, तो जब ये मटर के दाने के आकार का हो जाता है तो उसमें एक क्यारी बना लीजिए, या जो पौधा होता है उसमें एक गोल आकार का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में थला कहते हैं, उसको बना करके उसमें हल्की सिंचाई कर दीजिए। इससे होगा ये, जब आप हल्की सिंचाई करेंगे तो फलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और जो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी थोड़ा बढ़ जाएगी। अब किसान भाइयों, तीसरा स्प्रे हम कब करेंगे? जब हमने सिंचाई कर दी है, जो उनके पौधों फल का आकार जो मटर के दाने का हो गया, तो हमने सिंचाई कर दी है। सिंचाई के ठीक 10 से 15 दिन बाद हम जो है तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे में किसी भी एक कीटनाशक को ले लीजिए, किसी एक फंजीसाइड को ले लीजिए, उसको मिला करके, नेफ्थलीन एसिड को मिला करके साथ में 4 ml लेकर के 10 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर दीजिए। अब बात आते हैं सबसे मुख्य बातें, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिस जब स्प्रे करते समय। तो पहली एक चीज़ है, कभी भी किसी भी स्प्रे का फ्लावरिंग के समय, मंजरी आते समय या फूल आते समय स्प्रे नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है, जब भी हम स्प्रे करते हैं किसी एक रिएक्टर एजेंट का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। तीसरी बात हमारी जो है,
छल और जो उसका बौर होता है जिसको मंजर कहते हैं उसको गिरने से बचाने के लिए जब भी हम दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे करते हैं नेफ्थलीन एसिक एसिड का ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो है फल नहीं गिरेगा। चौथी बात क्या है किसान भाइयों, कीटनाशी और फफूंद नाशी का जो भी एक डोज होता है उसकी मात्रा होती है जिस हिसाब से जिस सिफारिश में जिस मात्रा में बताया जाइए ठीक उसी मात्रा में डालना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए। पांचवी बात क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होता है चूँकि ये फलों को रोकने के लिए गिरने के लिए रोकने के लिए होता है तो इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो आपका जो मंजर है और जो जैसे कि ये फूल है ये जल जाएगा, तो इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। छठी बात, कभी कभी देखा जाता है कि जो बौर होता है तो वो काला पड़ जाता है, तो उस किसान भाई उसमें काला पड़ने का कोई रोग विशेष नहीं होता है, जो फूल का जो रस होता है वो कीड़े चूस लेते हैं तो कभी कभी उससे भी काला पड़ जाता है। हमारे बताए गए इस प्रकार से जब भी आप स्प्रे करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ज़रूर इसका लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। बस हमारे बताए गए तरीके से आप इसका स्प्रे करिए, इस्तेमाल करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।